हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं टेली सोर्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल, दे आर स्टार्टिंग द बिजनेस काइंड ऑफ बीपीओ है, वो टेली मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, टेली मेडिसिन, टेली के थ्रू, दैट मीन्स फोनिकली मेडिसिन सेल करते हैं कुछ लोग. कुछ पर्सन सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विसेज ट्रेवल एंड टूर एंड ट्रेवल की सर्विसेज फोन के थ्रू बुक करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो टेली सोर्स काइंड ऑफ टेली मार्केटिंग हो सकता है, टेली एडवर्टीजमेंट हो सकता है, बीपीओ केपीओ जो भी सर्विसेज थ्रू टेली सोर्स प्रोवाइड की जा रही है, उनको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहते हैं. उनकी लिस्ट मैं आपको फर्स्टली बताऊंगी, उनके रजिस्ट्रेशन की लिस्ट, देन उसके बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या रहता है, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, उन रजिस्ट्रेशन का टेन्योर क्या रहता है, ताकि उनको जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं उनको इश्यू फेस ना हो. बिकॉज ऑफ जब इस इन्वायरमेंट में वो अपना स्टाफ इसका अरेंजमेंट करते हैं तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड उनको काफी इश्यू आ जाते हैं. उनको बाहर से जब वो फॉर एग्जाम्पल वो सर्विसेज इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दे रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट के टाइम उनको जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी में स्लिप की पेमेंट्स के लिए, तो एन नंबर ऑफ इश्यूज दे आर फेसिंग. तो उनसे रिलेटेड सारे जो उनके डाउट्स हैं वो मे बी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये मे बी आपके लिए फ्रूटफुल रहे. दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है जो रिक्वायर्ड रहते हैं जो भी पर्सन टैली सोर्स के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे नीड टू बी गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी. वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले, वो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनका, और डोमेस्टिक दोनों ही केसेस में उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए. जीएसटी से क्या होगा, आपकी स्ट्रिप के थ्रू पेमेंट आ रही है, टीसीएस की जो आपका गेटवे रहेगा, टीसीएस की जो क्लियरेंस है वो आप अवेल कर सकते हैं. सेकंड, आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर रहता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का. थर्ड वन इज ओएसपी लाइसेंस. ओएसपी लाइसेंस जो अदर सर्विस प्रोवाइडर को डॉट का लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो अभी एग्जेम्प्ट है. कोविड के सिनेरियो में 2019 में एक नोटिफिकेशन है, फिर भी आपको एक एग्जेम्पशन लेटर इशू करवाना चाहिए. थर्ड, फोर्थ वन इज ईएसआई पीएफ का रजिस्ट्रेशन आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है. और आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, आप एक आईएसओ भी ले सकते हैं. आपके जो भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वो आप सारी कंप्लीट फाइल करें. एक एंटिटी को रजिस्टर कराने के लिए, आपको करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, आप एंटिटी को डिफरेंट वे में रजिस्टर करा सकते हैं, एलएलपी या कंपनी बना सकते हैं आप अपनी, ताकि वो आपने बाहर कोई भी टेंडर लेना है या कोई भी अप्रूवल लेना है सामने वाली पार्टी के लिए, तो वो एक फ्रूटफुल ट्रांसपेरेंट वे में प्रेजेंट होता है आपका दूसरी कंट्री के लिए. जो इंटरनेशनल क्लाइंट जिनको चाहिए वो अपने आपको कंपनी और एलएलपी के फॉर्म में ही रजिस्टर करवाएं. सेकेंड, हम बात करते हैं इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या रहता है. आप यदि एलएलपी हैं या आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना पड़ेगा. आपके कितने पार्टनर्स रहेंगे, नाम क्या रहेगा, किस सेगमेंट में जाएंगे, आपको मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना पड़ेगा. देन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने जो स्ट्रक्चर रहेगा, जिस बिजनेस के थ्रू आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपका क्लाइंट कवरेज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगे. देन आपका जब आपका एंटिटी क्रिएट हो जाएगा, इवन वो पार्टनरशिप भी हो सकता है, एलएलपी या कंपनी है, जब वो क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद आपका करंट अकाउंट ओपन होता है. आफ्टर दैट आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ईएसआई पीएफ और आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, दीज आर द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आप कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करवाई है जिसके थ्रू आपके पास का क्लाइंट क्लाइंट मूव कर रहा है, तो आपको उसके लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना चाहिए. तो जो भी रजिस्ट्रेशन है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, आपको सेफली प्रोटेक्ट करके चलाने के लिए, तो वो सारे रजिस्ट्रेशन आपको कराने चाहिए. और मे बी जो आपकी और भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू.